48 में आपका स्वागत है। सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। बाकी जो मर्जी हूं तो हो जाए पर गाल नहीं कटनी। इस कार्यक्रम में जज की भूमिका निभाते हुए करणजीत कौर ने अपने विचार रखे। इन सतयुग दर्शन जो कॉलेज है, आज मैंने यहाँ पे देखा कि डॉक्टर साहब ने जो भी यहाँ पे पूरी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट किया है, इसके लिए पीछे बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ और काफ़ी मतलब इन्होंने हार्डवर्क किया है उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और बच्चे भी जो है वो बहुत उत्साहित हैं आज इस फेस्टिवल के लिए। सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए आज इन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया एज ए जज। और सिंगिंग म्यूज़िक जो होता है वो अपने सोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है कि इट्स रियली अ फैबुलस एंड हार्ड वर्कर बाय द डॉक्टर साहब। अब भी बच्चों के साथ मैं इस तरीके से शेयर करती हूँ अपना अनुभव कि इन लोगों को मैंने एक कहानी सुनाई, जस्ट एक छोटी सी कहानी, जिस कहानी में तीन चार रेस हो रही थी एक मेंढकों की, और मेंढक जो है वो अपनी चोटी पे जा रहे थे और सब लोग शोर मचा रहे थे पीछे से कि वो पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा, लेकिन जो है वो काफ़ी ऊंचाई थी और मेंढकों को बोला गया कि वो अपनी ऊंचाई पे पहुंचे, लेकिन हर कोई वहां पे जाने की कोशिश कर रहा था। पीछे लोग अपने अपने जो है वो बयानबाजी कर रहे थे कि ये ऐसे जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा, वैसे पहुँच जाएगा, लेकिन कोई पहुँच नहीं पा रहा था। लास्ट में एक मेंढक जो है वो पूरी ऊँचाई तक पहुँच गया और बाद में पता लगा कि वो ऐसे कैसे पहुंच गया, जो इतनी ऊंचाई थी और वहाँ कैसे पहुंच गया। तो लास्ट में हमें पता लगा कि वो जो मेंढक था वो सुन नहीं सकता था, तो इसलिए वो वहाँ इतनी ऊंचाई में पहुंच गया। तो मैं इनको ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर ये कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में इनका इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे ये लोगों की बातें और इधर उधर की बातें ना सुन के अपने फोकस पे ध्यान दें और उस पे टारगेट पे अपना पूरा अचीव करें, ताकि वो उसी दिशा में जाएं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी तरीके का क्षेत्र हो। अगर वो अपने टारगेट पे फोकस नहीं करेंगी तो वो अपनी दिशा पे नहीं पहुँच सकते। सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर भूपेश सिंह ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आज हमारे कॉलेज में फेस्ट बेंद्रत्य नाम का फेस्ट हमने होस्ट किया है। ये टेक्निकल प्लस कल्चरल फेस्ट है। इस टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट को होस्ट करने के पीछे जो हमारी मैनेजमेंट की या हमारे कॉलेज के बच्चों की या हमारे सोसाइटी की एक नीड है कि हम अपने बच्चों को टेक्निकली प्लस एकेडमिकली दोनों तरह से ग्रो करें। एकेडमिकली एग्जामिनेशन बेस्ड ग्रोथ होता है, टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ग्रोथ होता है। इम्प्लीमेंटेशन को हम आगे लाने के लिए बच्चों के नॉलेज का इस तरह की इवेंट्स करते हैं। इस पर्टिकुलर इवेंट में दिल्ली NCR फरीदाबाद से 15-16 कॉलेज ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ कॉलेज और भी आने के एक्सपेक्टेड हैं। इवेंट हमारा कल भी है तो कुछ कॉलेज कल भी आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 25 कॉलेजेस आर एक्सपेक्टेड। हमारा ये मानना है कि आज के समय के हिसाब से बच्चों को टेक्निकली प्लस एकेडमिकली प्लस सोशली तीनों फ्रंट पे एक्टिव होने की जरूरत है, और उसी को हम एक्टिव करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा। इससे बच्चों को ये पता लगता है सबसे पहले कि बच्चे अपने कॉलेज में ही रहके केवल अपने ही लोगों के बीच में रहके अब उनकी नॉलेज जो है एक लिमिटेड कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है बाउंड्री पे। अब हम जब शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जो करना चाहते हैं, जो एक दूसरे कॉलेज के साथ दूसरे कॉलेज के बच्चे आते हैं, वो अपने मोटो से आते हैं, वो अपने तरीके के प्रोजेक्ट्स लाते हैं, वो अपने तरह के इवेंट्स कल्चरल में पेश करते हैं, जिससे कि एक दूसरे का हमारी अंडरस्टैंडिंग और शेयरिंग और एक अपना जो सोशल ग्रुप है वो इन्हेंस हो जाता है। और जब हमारे सोशल ग्रुप इन्हेंस होता है तो जो हमारा सोशल प्रॉब्लम्स या सोशल कॉज जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं वो चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर कोमल भाटिया जी थे,
और प्रोफेसर अतुल मिश्रा जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ये दोनों ही हमारे YMCA के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। इनकी कितनी भी सराहना की जाए वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी रिसर्च पब्लिकेशंस की हुई हैं। इनके आने से हमारे बच्चों के अंदर में एक अच्छी सी मोटिवेशन आई है, एक जागरूकता आई है। आज हमारे पास में टेक्निकल है जिसमें कोड चेक मैड एडमेड सो कुछ टेक्निकल वोकेबलरी की कुछ गेम्स है, कुछ एक्सटेम्पोज हैं, कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं लाइक सॉन्ग है, डांस, कुछ म्यूजिक के सिंगिंग कम्पटिशन है, रैम्प वॉक है और एक्सवाइजेड इवेंट्स काफ़ी हैं हमारे पास। पहली बात तो ये कि जैसे कि डॉक्टर रूपेश ने बताया कि बच्चे टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड इसके अंदर 13-14 कॉलेजों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामना ये है कि जो टेक्निकल इवेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर बीइंग द टेक्निकल यूनिवर्सिटी वी शुड मोटिवेट सच थिंग्स। हमें इन चीज़ों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चे आगे टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ कर सकें। पहले तो मैं प्रोफेसर भूपेश को बधाई देता हूँ, जैसे मेरे कोलिग डॉक्टर कोमल ने कहा कि ऐसे इवेंट ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दिलवाना मतलब रियली सराहनीय है ये। और ऐसे जो हमारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेशली टेक्निकल पार्टीज में, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं भाई ये टेक्निकल वर्ल्ड है, टेक्निकल दुनिया है और ये बच्चों ने ही आगे कैरी करना है इस चीज़ को, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने से, इस तरीके की चीज़ें उनके पास उपलब्ध होने से, मतलब उनके आइडियाज़ जो उनके अंदर टैलेंट है, क्रिएटिविटी, वो बाहर निकल के आती है। जानकारी के लिए बता दें कि सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट द्वारा छात्रों को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है। अब तक की खबरों में इतना ही, देखते रहिए 48।